यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो यार आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं भाई हमारी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक, जो कि यार अगर आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी कि हमने दंगन बॉस के लिए Z+ सिक्योरिटी के लिए स्कॉर्पियो S11 क्लासिक ली थी। तो भाई मेरे को भी चाहिए एक, तो आज भाई हम उसी को लेने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और भाई चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। हम यार बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं भाई 8000 सब्सक्राइबरों के, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। तो भाई ये थार देख लो कितनी ज़्यादा बढ़िया मांग के लेके आया ड्राइवर, और भाई इसके खिड़कियाँ भी निकल रही, पता नहीं ये बंदे कैसे बैठ रहे हैं, थोड़ा जादू वगैरह हो रहा है भाई GTA 5 के अंदर। तो कोई बात नहीं, अभी इस थार को लेके चलते हैं भाई शोरूम की तरफ। थार यार बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली लेके आया, पता नहीं भाई ड्राइवर को किस बंदे के साथ ड्राइवर का हाथ मिल चुका है भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा है, इतनी ज़्यादा तगड़ी थार मॉडिफाई करवा रखी यार। और भाई मैंने भी मेरे साथ सिक्योरिटी रख ली है, जो कि यार बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। दो बाउंसर मैंने रखे हैं, इनको यार बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली मैंने गन्स दे रखी है भाई। अगर कोई भी बंदा हमारे साथ लड़ाई करेगा तो ये दोनों उनको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि भाई ये बंदे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड बन गए हैं, Z+ सिक्योरिटी से भी ऊपर बंदे ट्रेन है। अगर भाई इस बंदे को हम लोग मिलिट्री बेस पे छोड़ें तो आधी मिलिट्री को ये दोनों बंदे ख़त्म कर सकते हैं। तो भाई अभी चलते हैं हमारे शोरूम की तरफ। भाई शोरूम कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने गाड़ी की पहले बुकिंग कर रखी थी, क्योंकि भाई ब्लैक कलर में स्कॉर्पियो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात हो रही थी लॉस सैंटोस के अंदर। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई कितनी ज़्यादा स्कॉर्पियो आई पाएंगी डिलीवरी के लिए। बट भाई कोई और दूसरा कलर नहीं आ रहा, बस यार ब्लैक कलर आ रहा है स्कॉर्पियो का, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगने वाला है, और हम भाई इसको मॉडिफाई भी करवाने वाले हैं। तो भाई ऑल राइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं शोरूम में। तो शोरूम में उधर पीछे खड़ी भाई हमारी गाड़ियाँ, तो देख सकते हो आप सभी लोग कितनी ज़्यादा भाई गाड़ियाँ आई हुई हैं आज डिलीवरी के लिए। तो मैं फटाफट जो शोरूम का बंदा है डीलर, उससे बात कर लेता हूँ, क्या कुछ पेमेंट वगैरह भी उससे करनी है। फटाफट भाई सारे के सारे उतर लो गाड़ी में से। ये रहा वो बंदा भाई जिस जो कि डीलर है इधर का, अभी इससे बात कर लेते हैं एक बार। ओ भाई क्या हाल चाल है, बता भाई कौन सी गाड़ी हमारी है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरी बात हो चुकी है, ये कह रहा तुम यार वो पीछे वाली गाड़ी ले जा सकते हो। और बंदे भाई देख लो कितनी ज़्यादा, मतलब भाई 5-6 7-8 भाई स्कॉर्पियो S11 क्लासिक आई हुई है आज डिलीवरी के लिए। तो भाई हमारी भी उन्हीं में से एक है, तो सारे सारे देख लो भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं, इनका भी पूरा मन है भाई स्कॉर्पियो S11 क्लासिक में घूमने का। भाई थार को कौन लेके आएगा, चलो कोई नहीं भाई, अभी इनको हमारे साथ ही लेके चलते हैं, बाद में थार को भी ले जाएंगे। तो भाई डीलर हमारी थार का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थार है। ड्राइवर पता नहीं भाई किसकी लेके आया ये। तो अभी फटाफट भाई मैं मैप में देख लेता हूँ यार, इधर से भाई बैनी की शॉप कितनी ज़्यादा दूर है, थोड़ी दूर है भाई, मैंने थोड़ा मेरे को इन गांव वाले रस्तों का पता नहीं था, तभी यार मेरे को जी मैप का भाई यूज करना पड़ता है, वरना ड्राइवर को भी नहीं पता यार ज़्यादा इस वाले मैप का पीछे से जो शॉर्टकट वगैरह है। तो अभी चलते हैं भाई लेके गाड़ी को, भाई बिल्कुल धीरे धीरे चलाऊंगा यार, अभी बिल्कुल नहीं निकाली भाई, कभी पता लगे कि यार हमें थोड़ी देर के अंदर ही कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हमारी सारी सारी गाड़ी ख़राब हो जाए। तो कोई नहीं यार, इसको बिल्कुल आराम से चलेंगे यार, हमारी ड्राइविंग स्किल थोड़ी सी ख़राब है, तो कोई नहीं, तो बिल्कुल आराम आराम से ही लेके चलेंगे। इधर से यार बहुत ज़्यादा थोड़ी दूर है भाई, जो फ्रेंचाइज उसकी जो गांव के अंदर है भाई, वो बढ़िया काम करते हैं भाई, वो बंदे बहुत ही ज़्यादा सस्ते पैसों में भी वो इतना ज़्यादा बढ़िया काम कर देते हैं, जो कि यार बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है हमारे लिए। अभी चलते हैं भाई स्कॉर्पियो अंदर से एक बार, आप सभी लोग देख लो कितनी ज़्यादा भाई रियलिस्टिक लुक में आ रही है। तो मेरा बाउंसर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है स्कॉर्पियो को देख के, भाई आगे बैठ के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। वो पिछले वाला यार मेरा कट वो कैसे लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना, कि ड्राइविंग स्किल कैसी भाई, कुछ लेना है क्या फ्रूट वगैरह। भाई ये लोग मना कर रहे हैं, तो चलते हैं भाई पैनी की तरफ, अगर भाई इनको नहीं खाना भाई कुछ भी तो मत खाओ। और राइट गाइस, तो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ पैनी की शॉप के ऊपर, पहुँच ही गया हूँ भाई, फटाफट उतर के भाई पैनी के दोस्त से बात कर लेते हैं, इसका वर्कर जो भी खड़ा है। ये गाड़ी भाई क्या हो रखा है, कहाँ दे रखी है गाड़ी, देख लो भाई शटर के नीचे दे रखी भाई गाड़ी, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं बंदे, अब इससे बात कर लेते हैं। और राइट गाइस, तो इससे मेरी बात हो चुकी है भाई, ये बंदा बता रहा है कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक तुम पीछे वाले होटल में जाके भाई रुक सकते हो। तो चलो भाई अभी होटल में चलते हैं, सारे बंदे आ जाओ भाई, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ पार्टी नई कार की, तो फटाफट आ जाओ भाई होटल के अंदर।
अंदर तो नहीं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ऑलराइट गाइस, तो अभी बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, तो मैं फटाफट भाई एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पी लेता हूँ। इन सब ने भी यार बहुत ही ज़्यादा खाना वगैरह खा चुके हैं सब लोग, तो अभी मैं कोल्ड ड्रिंक की ड्रिंक ले लेता हूँ, फिर भाई चलते हैं हमारे बंदे के पास, बैनी के वर्कर के पास, और हमारे स्कॉर्पियो के की वगैरह ले लेते हैं भाई। क्या कुछ मॉडिफिकेशन उसने करी है मेरे को, से तो भाई बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा, क्योंकि यार उसने तगड़ी मॉडिफिकेशन सी इतनी करी होंगी, जो कि यार मेरी स्कॉर्पियो में देख के भाई एक बार हिल ही जाऊँगा, क्योंकि पिछली बार हमने उसके पास ब्रेजा मॉडिफाई करवाई जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी कर दी थी। और भाई साहब इतनी ज़्यादा तगड़ी मॉडिफाई कर दी भाई इस बंदे ने, तो मैं इससे पेमेंट वगैरह की बात कर लेता हूँ। और राइट गाइस, अभी मेरी पेमेंट वगैरह सब कुछ होगी। तो ये साधू क्या था भाई इस गाड़ी के साथ, तो कोई बात नहीं भाई, हमें तुम्हारी गाड़ी चाहिए भाई, कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही भाई, फटाफट बैठ जाओ। ब्लैक भाई ऑल गाड़ी के शीशे भाई इसने पूरे के पूरे 100% ब्लैक कर दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक दे रहे हैं। आगे से देख लो एक बार गाड़ी की लाइटिंग वगैरह, ड्राइवर को पता नहीं क्या हो गया भाई, बैठ जाना। और अलॉय भी भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाले लगा दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे तगड़े दिख रहे रोड के ऊपर। पीछे से गाड़ी का लुक भी बहुत ज़्यादा तगड़ा आ गया, कस्टम नंबर प्लेट लग चुकी है मेरे डाम की। तो अभी भाई थोड़ी बहुत आपको मैं ऑफरोडिंग सी करके दिखाता हूँ, मैं छोटी मोटी रास्ते के ऊपर थोड़ी सी आपको मैं करके दिखाता हूँ। बट यार हमारे नई गाड़ी मेरा ज़्यादा मन नहीं करा था, मैं इधर से यार मोड़ लेता हूँ गाड़ी को और चलते हैं भाई ड्राइवर की घर की तरफ, और देखते हैं भाई इधर कुछ क्या कुछ पार्टी वगैरह करते हैं भाई नई गाड़ी की। इस भाई अलॉय के अंदर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लुक आ रहा है भाई, शायद आपने ऐसी गाड़ी भाई अपने मोहल्ले में देखी हो तो भाई कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। पीछे से लाइट वगैरह भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है, और हमारी गाड़ी की लुक एकदम माफिया वाली खतरनाक आ रही है। साइड वाले गाड़ी वाले भी भाई देख के हमारी गाड़ी को डर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक लुक भाई जो कि हो चुकी है। तो भाई सिनेमैटिक्स आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, इतने ज़्यादा खतरनाक सिनेमैटिक शॉट्स आ रहे हैं। तो अभी मैं सिनेमैटिक को बंद कर देता हूँ, वरना हमारी गाड़ी का हो जाएगा एक्सीडेंट। तो भाई आपको पता है आगे से एक बार इसकी लुक देख लो, जो भी नई वाली ग्रिल आई है इससे लुक भाई इतनी तगड़ी बन चुकी है गाड़ी की, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो यार आज वीडियो बस इतना, यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।